अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर मोहसिन। आई वेलकम यू विद अनदर लेक्चर। दिस इज़ पार्ट थ्री। लास्ट टाइम आई टोट यू टिल हेयर टू गेट देम आउट ऑफ द वे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। अपार्ट फ्रॉम शिपिंग, सो टर्न द पेज। अपार्ट फ्रॉम फिशिंग, फिशिंग देम अलाइव टू बिटन। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब वो जो जानवर थे उनके, यानी कि भेड़ के जो गोश्त वो लाते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, बर्तानी लाने से पहले पहले वो उसे फेंक दिया करते थे। वो बजाय के बर्तानी उन्हें ज़िंदा पहुँचाते, वो मर जाते थे, तो उन्हें मुर्दा जानवरों को वो फेंक देते थे पानी के अंदर, समंदर के अंदर। विच वॉज एब्जर्ड, जो कि क्या था, वो बेमायने था, नामकूल चीज़ें थी। देयर वॉज लिटल डैट कुड बी डन विद दैम, और उनसे सिर्फ थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा वो उठाया जा सकता था, थोड़ा बहुत ही उनसे फ़ायदा था। वो क्या था, वेन देयर फ्लीस हैड बीन शॉर्न, जब उनके जो ऊन के, यानी कि जो उनका ऊन है, जो उनके बाल है भेड़ियों के, सिर्फ उन्हें जो है उधेड़ लिया जाता था, उन्हें निकाल लिया जाता था, बस वही थोड़ा बहुत फ़ायदा उनसे होता था उन रेफ्रिजरेटर वाले जहाज़ के आने से पहले। बट रेफ्रिजरेशन चेंज ऑल डेट, लेकिन इस रेफ्रिजरेशन के अमल ने पूरी सब चीज़ों को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। मीट कुड बी फ्रोजन इमिडिएटली आफ्टर स्लॉटर, जैसे ही गोश्त जो था वो उसे जो है फ्रोज़न कर लिया जाता था, जमा लिया जाता था, फ़ौरन से उसे ज़िबा करने के बाद, जो जानवर ज़िबा करते फ़ौरन उसे फ्रोज़न कर लेते। लोडेड ऑन बोर्ड आ सुटेबली इक्विप्ड वेजल एंड केप्ट एट आ टेम्परेचर बिलो फ्रोजिंग पॉइंट टिल इट वॉज अनलोडेड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो फिर क्या होता था कि फिर फ़ौरन से उसे लोड कर लिया जाता था कि बोर्ड के ऊपर, और उसको जो है जो इक्विप जो उसके आलात भरे हुए थे उस जहाज़ के अंदर, वो सारे सामान उसके अंदर टेम्परेचर उसके अंदर लगा दिया जाता था कि फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए, तो तमाम उसको फ्रीजिंग पॉइंट पर उस पर गोश्त को क्या करे, जमा दे वो, जब तक कि वो अनलोड ना हो जाए, इंग्लैंड तक ना पहुंच जाए, तब तक वो क्या हो जाए, यानी कि इंग्लैंड पर जाकर सामान ना उतर जाए, वो फ्रीजिंग पॉइंट पर रहते थे सारे गोश्त, इस तरह गोश्त क्या महफूज रहता था इंग्लैंड तक पहुँचने से पहले। देयर वॉज नो डीके, ठीक है, यहाँ पर कोई जो है कम नहीं होता था उसमें, उसके अंदर कोई कमी नहीं आती थी। नो लॉस और फ्लेवर, यानी कि उस गोश्त के अंदर ना तो कोई कमी आती थी, ना तो कोई नुकसान होता था, ना कि उसके कोई फ्लेवर में, कोई जायके में कोई नुकसान होता था, ठीक है, वैसा का वैसा फ्रेश रहता था वो गोश्त सारा। द डिस्कवरी कम्प्लीटली ऑल्टर्ड न्यूजीलैंड इकॉनमी, और इस ईजाद ने क्या कर दिया, न्यूजीलैंड की जो मईशत थी उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। गेव आ प्रोस्पेरिटी विच फ्यू कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ, ठीक है, और वो क्या हुआ, खुशहाली लेकर आया ये चीज़ जो है न्यूजीलैंड में, जिससे क्या होता, कुछ लोग जो है इसका सिर्फ ख्वाब ही देख सकते थे, ड्रीम्ड ऑफ, विच हैज़ बीन मेंटेन्ड टू दिस डे, जो कि आज तक क्या है वो उसे मेंटेन कर लिया गया है, ठीक है, आज तक इस चीज़ को मेंटेन किया गया है न्यूजीलैंड में, सिंस डेट फर्स्ट ट्रिप इन 1882, और जब से है ये, जब से पहला उनका सफ़र शुरू हुआ था जहाज़ का 1882 में। टुडे, और आज, देर आर 20 शिप इन न्यूजीलैंड फॉर ईच सिटीज़न, और आज जो है तकरीबन एक शख्स के लिए तकरीबन 20 जो है वो शिप मौजूद हैं, यानी कि एक भेड़ मौजूद हैं, दुम्बे मौजूद हैं एक सिटीज़न के लिए, यानी इतनी ज़्यादा उनके पास वाफिर मकदार में है। बट टुडे देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हर्लिंग देम इन टू द सी, लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं है कि अब उनको कोई ज़ाया किया जाए या उनको फेंक दिया जाए, हर्डलिंग यानी कि फेंक देना, गिरा देना, कि अब उन गोश को, उन उसको, यानी कि दुम्बों को और जो भेड़ है उनको समंदर में फेंक दिया जाए, अब कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। दे आर फ्रोजन, उनको जमा लिया जाता है, एंड शिप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में उनको जहाज़ों के ज़रिए पहुँचाया जाता है, पूरी दुनिया में। द बेल कोलेमन रेफ्रिजरेटर, इसका नाम है रेफ्रिजरेटर का, वॉज नॉट द फर्स्ट टू बी इन्वेंटेड, वो पहला नहीं था जो ईजाद किया गया। एंड द ड्यूनिडिन वॉज नॉट क्वाइट द फर्स्ट शिप टू बी फिटेड विद वन, और ये जो जहाज़ है ये भी, जो रेफ्रिजरेटर का जो अमल, जो लगाई गई थी मशीनें, ये भी ऐसा पहला शिप नहीं था जिसको फिट किया गया था, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो अमल था जो उसको जमाता था, ये पहला जो अमल नहीं था उसे फिट किया जाता था। बट बिकॉज ऑफ इनॉर्मस लेंथ ऑफ जर्नी, लेकिन एक बहुत बड़ा जो लंबा सफ़र था इसकी वजह से, द ह्यूज पार्ट रेफ्रिजरेटर शिप्स वर टू प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ न्यूजीलैंड,
लेकिन एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था रेफ्रिजरेटर का जो कि शिप्स में लगता था उसने जो है बहुत अहम किरदार अदा किया था न्यूजीलैंड की मईशियत में। दिस फर्स्ट वॉयज वॉज द डिवेलपमेंट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और यही एक जो पहला सफ़र था, बहरी सफ़र था, समंदरी सफ़र था, वो तरक्की का सफ़र था जो कि बहुत ही बहुत बड़ी मायने खेज है इंग्लैंड न्यूजीलैंड के लिए और पूरी दुनिया की मईशियत के लिए भी, क्योंकि न्यूजीलैंड अब कारोबार करता है और आज वो खुशहाल मुल्क है। ठीक है, आज तक का लेक्चर इंशाल्लाह यही है। आपकी जो एक्सरसाइज है ये आप सॉल्व कीजिएगा, एक्सरसाइज ए बी और सी। आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।